हे दोस्तों, आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत स्वस्थ हो। आज मैं आपको एक नई एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो पोल्ट्री फार्मिंग में हर एक बंदे को करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल्ट्री फार्मिंग किस भाई लोगों को करना चाहिए और किस भाई लोगों को नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा बात पहले बता देता हूँ। अगर आप लोग कोई बिजनेस आइडिया चाहते हो, जिस बिजनेस आइडिया पे आप कुछ अर्निंग होगा, कुछ बिजनेस रहेगा, और इसलिए आप पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ यूट्यूब चैनल में ये दिखाता है कि इसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट है और इतना सारा इन्वेस्टमेंट के बाद आप साल में इतना कमा सकते हो, तो ईयरली आपका अर्निंग इतना होगा, मंथली आपका अर्निंग इतना होगा, तो ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं जो हमेशा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है। क्योंकि कोई भी फार्मर अपना प्रॉफिट हमेशा बताता है, मगर कितना लॉस जाता है, कितना प्रॉब्लम आता है, वो कोई भी नहीं शेयर करता। तो पोल्ट्री फार्मिंग में मेजर से मेजर प्रॉब्लम क्या होता है वो थोड़ी बहुत फार्मर ही शेयर करता है। क्योंकि अगर मैं अपना प्रॉब्लम बता दूंगा, मैं अपना जो लॉस है अगर सब बताने लग जाऊंगा, तो आप पहले दिन ही हताश हो जाओगी। और इसी मोटिवेशंस के कारण में जो बिजनेस में आता है, थोड़ी दिन में बहुत से फार्म मेरे आसपास है जो अभी बंद पड़ा है, जो 2-5 सालों के अंदर बंद हो गया है, उसका रीज़न यही है। तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हो तो स्टडी करो, अगर देखो कि तुम ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने 4-5 साल हो गया तो पोल्ट्री फार्मिंग किया है, तो मैंने 1-2 साल में बहुत सारी लॉसेस उठाया है। ऐसा भी हुआ है तो एक मैंने चालान के अंदर मेरा 4-500 के ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गया था। मेरा पेमेंट, मैं कंपनी के अंडर करता हूँ इसलिए मेरा पेमेंट कुछ भी नहीं आया, उसमें कॉस्टिंग भी चला गया। तो एक चालान के अंदर मेरा 50,000-40,000 का नुकसान भी हो गया। तो वो नुकसान मैं आज 4-5 साल के बाद आज मैनेज कर सकता हूँ। आज प्रॉब्लम में कौन सी मेडिसिन अप्लाई करता है, किस प्रॉब्लम में क्या एक्शंस लेना है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे लिए वो इजी हो गया है। एक फार्म आप देख सकते हो इधर, इस फार्म से मैंने स्टार्ट किया था। यह कैपेसिटी है अराउंडिंग 1500-1600 का कैपेसिटी है। तो इसमें मैंने प्रॉफिट जनरेट किया और इसके बाद जो प्रॉफिट आया उससे मैंने दूसरा फार्म भी बनाया है, स्ट्रक्चर किया है। और जो मिस्टेक मैंने इस फार्म में किया है, जो स्ट्रक्चर के मिस्टेक किया है, जो फार्मिंग में मिस्टेक किया है, वो इस फार्म में मैं नहीं करता हूँ, इस बार नहीं करता हूँ। और आप देख सकते हो इसके पार मैंने और एक पोल्ट्री फार्मिंग बनाया, फार्म बनाया है, जिसमें कभी कभी इसमें चिक्स है तो उसमें भी थोड़ा मैं रख लेता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम लोग एक बिजनेस छोटा इनिशियल स्टेज में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ये याद रखना कि बिजनेस मतलब ये नहीं कि आज आप इन्वेस्ट कर दिया, कल रिटर्न आना शुरू कर दिया। बिजनेस मतलब ये कि हमेशा आपके पास कम रहेगा, हमेशा थोड़ा थोड़ा अर्न करना सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम है मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ते रहो, और हमेशा रिस्क मैनेज करना सीखना। तो रिस्क मैनेज करना भी बहुत बड़ा आर्ट है एक बिजनेस के लिए। ये सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग नहीं, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करता हूँ, इसके अलावा मेरा चासी खेती भी है, जो आलू धान का खेती भी मैं करता हूँ, भार्मी कंपोस्ट का प्लान भी मैं कर रहा हूँ, देसी मुर्गी का भी प्लान कर रहा हूँ, जो आगे का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो इस भाई लोगों के लिए बना रहा हूँ कि भाई आपके पास, मैं एक किसान का बच्चा हूँ और मैंने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, मेरे लिए पैसे का अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर एक फार्म अगर आप करेंगे तो उसके बहुत कॉस्टिंग लगता है, उसके बाद अगर इस बिज़नेस को हमने बंद कर दिया तो बहुत सारे लॉसेस आपको होगा। तो पहले भाई आप स्टडी कर लीजिए, कि उस भाई लोगों से बात कीजिए कि इस फार्म में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या दिक्कतें आएगी,
अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसके फॉर्म में एक दो महीने काम कीजिए, एक्सपीरियंस जनरेट कीजिए, उसके बाद करना, तो आपका जो माने जो रास्ते होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो और थोड़ी बात मैं आपको शेयर करूँगा, और आपने जो कैमरा में मैं दिखाऊँगा कि मेरा जो सेटअप है, मेरा जो चीक्स का कंडीशन है, जो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए भाई लोग। मेरा जो आज चीक्स है तो 20 दिन का लगभग हो जाएगा, हो चुका है। तो 20 दिन में जो वेट अभी तक आया है, मैंने आज सुबह ही वेट किया है, अराउंडिंग 750 ग्राम के अंदर है। आप देख सकते हो 750 अंडर। जब मैं बोरिंग किया था, आप लोगों को बोरिंग का वीडियो भी एक पोस्ट किया था, तो एक फार्म के अंदर 12.5 बार्स मैंने रखे थे। तो वो स्पेस एक्सप्लेन करते करते तो बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इस बार्ड्स को ही कैरी करके उस दूसरे वाले फार्म में भी थोड़ा बहुत ले गए हैं। जो जो इस रिकॉर्ड में होता है जो स्पेस का, वो मैंने किया है। और पोल्ट्री फार्मिंग में तीन चीज़ भैया हमेशा आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक, हमेशा फ्रेश खाना आप लोग बार्ड्स को देना। फ्रेश खाना हमेशा जब मिलेगा तो बार्ड्स का क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा है पानी का क्वालिटी हमेशा अच्छा रहना। मैंने सुबह ही पानी साफ किया था और शाम में भी पानी क्लीनिंग करूँगा, तो पानी का क्वालिटी बहुत अच्छे होना भी ज़रूरी रहता है। मैंने यहाँ ऑटो टिंकर मैंने फिट किया है। ऑटो टिंकर बाहर के तरफ कुछ लाइनें हैं जहाँ टैंक से पानी आता है, तो टैंक में हर 6 घंटे के बाद मैंने एक क्लोरीन टैबलेट या फिर AB का जो टैबलेट होता है मैं देता हूँ, जिसमें पानी में कोई पॉइजन कभी ना रहे। और जो बार्ड्स के पानी की प्रॉब्लम के वजह से इकोलाई या फिर पानी की वजह से जो बीमारी आती है वो नहीं आए। तो दूसरा होगा पानी, एक होगा खाना, दूसरा होगा पानी, और तीसरा जो क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखना है, तीसरा है लीटर, जिसको भूसा भी कहते हैं। इस लीटर का क्वालिटी हमेशा अच्छे रहना भी ज़रूरी होता है। लीटर ही सब कुछ होता है, कुछ कुछ फार्मर ये भी कहता है, ये हमेशा सही बात है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लीटर है, मैं हमेशा दिन में 3 बार, कुछ कुछ फार्मर 2 बार भी करता है, 1 बार भी करता है, मैंने 3 बार चालता हूँ। इसके वजह से जो बड़े बड़े जो जो ऐसे करके जो डाले होते हैं वो तोड़ जाता है, उसमें मुर्गी का कोई भी रोग नहीं आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डेले हो गया था, जो गंदे हो गया थे लीटर, मैंने वो उठाकर एक अलग जगह पर रख दिया है, जिसके अंदर यहाँ पर थोड़ी गंदी ना हो। यहाँ पर जो लीटर अगर आपको खराब हो जाएगा तो उसमें थोड़ा अमोनिया गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, और अमोनिया गैस के वजह से मुर्गी बहुत ही हल्की हो सकती है, उसके FCR फार्मर कॉस्टिंग रेट में इफ़ेक्ट आ सकती है। हमारा जो पेमेंट आता है वो FCR के माध्यम से आता है, और तब कितना खाना खाया और कितना वेट आया, उस दोनों के बीच का जो बैलेंस है वहाँ से ही पैसे मिलते हैं कंपनी से। तो हमेशा ये आप लोगों को ख्याल रखना कि आप जो खाना पानी और लीटर आगरा वो हमेशा अच्छे रहे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ बार्ड्स बैठे हैं, को असुस्थ है, मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत दिक्कत है उस बार्ड्स में, वो हमेशा एज फास्ट आप ट्रीटमेंट की बारे में सोचना, क्योंकि जब बार्ड्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, वो बार्ड्स एक डिंकर में अगर पानी खाएगा, उस डिजीज़ हमेशा स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा और अदर्स बार्ड पे। इसी तरह से किडनी का जो प्रॉब्लम है, इकोलाई का जो प्रॉब्लम है, लीवर का भी जो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम स्प्रेड कर जाता है। और एक बात आप हमेशा ख्याल रखना, आप देख सकते हो कि फार्म के दूसरी तरफ मैंने कोने पे एक अलग सा जगह बनाया है, जो मुर्गी वीक बार्ड होता है, जो हमेशा लैम्प होता है, उस लैम्प बार्ड को हम यहाँ पर अलग करके रखते हैं, जिसके अंदर अगर कोई डिजीज़ वाला बार्ड भी होगा तो उसको हम अलग से रख सकते हैं। ये जो पर्दे हैं वो हमेशा
थोड़ा बहुत नीचे रहता है क्योंकि आज का विंटर का सीज़न चल रहा है जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो विंटर का सीज़न में एक प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं देती है जिसमें पाखी का साउंड का प्रॉब्लम होता है। आप मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया कुछ दिन पहले, थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम आया था। मैंने एक स्प्रे किया है जो आप मेडिकली रसून या आधे से भी कर सकते हो या फिर आप मेडिकल शॉप से भी, साउंड का थोड़ा बहुत महंगा एक मेडिसिन है जो लिक्विड आप स्प्रे करेंगे तो वह मिट जाएगा। तो उसका कारण होता है ये वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अभी, और उसके अलावा यहाँ पर जो बर्ड्स है, जो बर्ड्स का जो पर्दे है हमेशा दिया रखता है, रात बहुत ठंडा पड़ता है, कभी कभी तो 12-13-15 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है टेम्परेचर, तो वो हमेशा आप ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं कि बर्ड्स का क्वालिटी, अगर बर्ड्स का क्वालिटी अच्छा होगा तो हमेशा वो खेलता रहेगा। आप देख सकते हैं ये 20 दिन का बर्ड है, अभी 20 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज 19 दिन है, कल 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अलग अलग पार्टीशन में दिया रखा है क्योंकि जब मैं फीड देता हूँ, अगर एक मैं पार्टीशन नहीं दूंगा तो एक बर्ड्स होगा कि एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और जहाँ पर बैठ जाएगा वहाँ पर जो अगड़ा है, जो लिटर है, वो बहुत भूसा है, बहुत गंदी हो जाएगी। उस फार्म में चलता हूँ जिस फार्म में मैंने इस फार्म से लिफ्टिंग किया है जो बर्ड्स एक्स्ट्रा हो गया था। अब और एक बात भाई लोग देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने एलोवेरा का भी एक थोड़ा बहुत पौधे लगा दिया है। कभी कभी क्या होता है कि एलोवेरा मेडिसिन बहुत अच्छे होता है और उसका कॉस्टिंग भी नहीं आता है, उसमें अगर कॉक्सी डिजीज़ आता है या फिर थोड़ी बहुत डिजीज़ आता है तो एलोवेरा आप देंगे तो उनके अंदर जो नंगड़ी चीज़ है, जो गलत चीज़ है, वो निकल जाते हैं पोटी के साथ। और ऊपर जो आप गाछ देख रहे हो वो ड्रैगन फ्रूट है, वो मैंने यही लगा है अपनी शौक की वजह से। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक टैंकी है जिस टैंकी में मैं हमेशा जो क्लोरीन टैबलेट होता है कि मेडिसिन होता है जो पानी के साथ 24/7 हर वक्त चलते हैं, जो एक दिन में 3 या 4 बार आप दे सकते हो, उस टैबलेट वहाँ टैंक में डाल देता हूँ और टैंक से यहाँ फार्म में ऑटोडिंकर के माध्यम से पानी आता है। अब मैं इस फार्म में अंदर एंटर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ये जो भूसा है जो आप देख रहे हो, या ये वही भूसा है जो एक साथ बहुत सारे बार एक जगह पर रहने के वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है। उसको मैं एक काम कर सकता हूँ, वो अगर मैं लीटर बाहर फेंक दूंगा मेरा बहुत सारे नुकसान हो जाएगा क्योंकि 1 किलो जो लीटर है इसका प्राइस 10-12 रुपये पड़ जाता है, 13 रुपये पड़ जाता है। तो मैंने ये बनाया है, इसमें क्या करता हूँ, ये जो भूसा है ये मैं देकर या इसको मैंने एक फ़िल्टर कर लेता हूँ और जो बचा हुआ जो डेला होता है जिसमें खतरा होता है कि मेरा बर्ड्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, वो मैं निकाल के फेंक देता हूँ और जो अच्छा वाला जो फिल्टर जो चूज़ा होता है वो मैं मिक्स करके फिर से डाल देता हूँ। आप देख सकते हो भाई ये जो नई वाला फार्म है उस फार्म से मैंने इस फार्म में स्पेस के कारण स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने इस फार्म में बर्ड्स शिफ्ट किया है। आप जो शेप देख रहे हो ये शेप में अगर बर्ड्स रेस्ट करेगा तो वो बर्ड्स एकदम अच्छा होगा। आप देखिए पानी का क्वालिटी हमेशा अच्छा होगा। अगर आप चाहे तो पीएच मीटर और एसिड के लिए तो एक मीटर रख सकते हो, उसमें आप पानी हमेशा टीडीएस और पीएच हमेशा चेक कर सकते हो कि क्योंकि पानी का क्वालिटी हमेशा अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाना, पानी और जो रहने का जगह, वो तीन अगर सही से होगा तो आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर इसमें से एक भी क्वालिटी ड्रॉप हो गया तो आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट सकता है।
पानी का क्वालिटी अच्छा है, इसका और एक प्रूफ है, हमेशा बर्ड्स पानी की खाने की कोशिश करेगा। अब पानी के जगह और फीडर ड्रिंकर हमेशा क्लियर करना रोज़, क्योंकि अगर रोज़ आप क्लियर करोगे तो जो फीड होगा वो इंटेक ज़्यादा करेगा, और फीड से भी, फीड का जो ए वाला हिस्सा है आप देख सकते हो, ये फीड का जो ड्राई जो पाउडर है ये क्या कर सकता है कि ये आपका जो सांस नाली है, बर्ड्स का जो सांस नाली है वहाँ पर अटक कर बर्ड्स का मोर्टालिटी भी हो सकते हैं, बर्ड्स को डिजीज़ भी हो सकते हैं। क्योंकि बॉयलर में क्या होता है, अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हो, बॉयलर जो 45 डेज या 35 डेज में रेडी हो जाता है, तो उसका मंग्स मेरा मतलब है मीट जितने ज़्यादा से बढ़ता है उतने ज़्यादा से उसका हार्ट और उसका जो लीवर फूसफूस वो नहीं बढ़ता, इसलिए ये दिक्कत बहुत ज़्यादा तरह से आता है। इस जगह मैं लीटर को कल चाल लूँगा, चालने के बाद फिल्टर करने के बाद ये लीटर अब मैं शिफ्ट करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगा। आप देख सकते हो विंटर के सीज़न में हवा आने के लिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा छाड़ दिया है जो वेंटिलेशन के कारण में, और जो बर्ड्स को अगर कोई भी ठंडी हवा ना लगे उसके लिए मैंने 1-2 फुट के पर्दे लगा दिए हैं। अब मैं बाहर चलता हूँ ऑफिस रूम की तरह। आप अगर फार्मिंग करते हो, आपका फार्मिंग का कैपेसिटी 2-3 हज़ार के ऊपर है, तो आप हमेशा एक ऑफिस रूम, ये स्टोर रूम हमेशा बना के रखना, क्योंकि स्टोर रूम के क्या होता है कि स्टोर रूम के अंदर आप लोग जो फीड होता है फीड स्टोर करके रख सकते हो, और थोड़ा बहुत जो माने दवाई है वो सब रख सकते हो। ये वो सीढ़ी है जो सीढ़ी के अंदर मैंने जाके टैंक में मेडिसिन देता हूँ। आप देख सकते हो वहाँ पर भी एक फार्म है, ये भी हमारा ही है जो देसी पोल्ट्री फार्म के लिए सेटअप अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेटअप किया है, और यहाँ पर जो बाहर के तरफ है वह स्पेस मैंने रखा है, सो देसी मुर्गी जो वहाँ पर बाहर घूमेंगे उसके लिए, वो भी कभी एक वीडियो में मैं फुल कवर करूँगा। अब मैं चलता हूँ ऑफिस रूम की तरफ। ये मैंने देसी मुर्गी जो है अभी तक स्टोर है, यहाँ पर देसी मुर्गी सब रहता है। ये ऑफिस रूम में एंटर कर रहा हूँ, ये है मेरा ऑफिस रूम, यहाँ सुपरवाइजर जाता आता है, ऑफिशियल जो काम है यहाँ पर मैं करता हूँ। आप देखिए कि ऑफिस रूम का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ऑफिस रूम में आप फीड स्टोर कर सकते हो। कभी कभी होता है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो अगर फार्म के अंदर कोई भी बाहर से पानी फीड में अंदर के जो होता है, तो वो आने के बाद जो फीड का क्वालिटी होता है वो ड्रॉप हो जाता है, वो फीड डैम हो जाता है, तो इतना अच्छा क्वालिटी फीड का नहीं रहता। तो हमेशा आप एक काम कीजिए, जब भी 2-3 हज़ार के ज़्यादा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, तो हमेशा एक फीड के लिए अच्छा जगह हमेशा बना के रखना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अब जो भी प्रॉब्लम फार्मिंग में आएगा उसके एडवांस उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन होता है, आप अगर वो स्टॉक कर सकते हो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, वो बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख सकते हो कि ए है कैल्शियम, कैल्शियम का प्रॉब्लम के लिए विटामिन है, जो अगर बर्ड्स का ग्रोथ नहीं हुआ तो कैल्शियम आप देखिए ग्रोथ मैनुअली कर सकते हो। और आप देख सकते हैं ये है एक शायद एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बूस्टर हम अगर देते हैं तो जो छोटा वाला बच्चा होता है उसमें मोर्टालिटी का परसेंटेज बहुत कम जाता है, और इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होता है। ये है लीव 52 का एक मेडिसिन है जो लीवर का टॉनिक होता है, जो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है, तो हमारा स्टॉक मैंने किया है। इसके अलावा लेब्रोटॉनिक है,
ये एक मेडिसिन है, ये जौल का वाटर है, मैंने फुटकड़ी भी रखी है, कभी कभी फुटकड़ी भी ज़रूरत होता है। आप ये देख सकते हो कि कॉक्सी, कॉक्सी का होता है कि लीटर अगर बहुत ख़राब हो जाता है कि कॉक्सी का बीमारी आ जाता है। तो कॉक्सी का बीमारी तो होता है कि उसमें पॉटी जो होता है उसमें ब्लड आता है। तो अगर आप ये उसका भी मेडिसिन मैंने स्टॉक किया है इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर और भी 15-16 मेडिसिन है। आप देख सकते हो एक क्लोरीन टैबलेट है जो अगर 600 लीटर पानी में एक देंगे तो होता है कि ना उस पानी में जो वायरस होता है वो वायरस मिट जाता है। ये भी एक मेडिसिन है, उसके अंदर जो भी डब्बे हैं नीचे वो सब मेडिसिन के डब्बे होता है। मैंने खेती भी करता हूँ तो खेती करने के लिए जो मेडिसिन स्प्रे करता हूँ उसका ड्राम ये है, और मैंने एक पोल्ट्री के लिए अलग ड्राम बनाया जो पोल्ट्री का स्प्रे में मैं करता हूँ। ठीक है, ये सब स्प्रे है, ये स्प्रे है और इसके अंदर और भी स्प्रे का मेडिसिन है। और एक बात, मैंने साउंड का बात थोड़ी बहुत पहले किया है, जो अगर कुछ दिन पहले मैंने साउंड आया था जो पाखी का जो साउंड होता है, तो स्ट्रेस नील मैंने अप्लाई करता हूँ। ये इसका काम होता है कि ये अमृतंजन जैसी एक मेडिसिन है जो अगर मैंने स्प्रे कर दी तो जो साउंड का प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। तो और एक बात भाई लोग, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, ये है कंपनी का जो खाते है जिसमें कंपनी हमेशा हिसाब रखता है उसका, चूजे का, उसका फीड इनटेक का, उसका बॉडी वेट का, तो आप हमेशा अपने एक रिकॉर्ड अलग से रखना, कौन से मेडिसिन आप कौन से दिन अप्लाई कर रहे हो, कौन से दिन आपका कितना मोटालिटी हो। आप देख सकते हो यार 20 डेज हो गया तो आज 2 मोटालिटी हुआ, उसके पहले दिन मैंने 2 हुआ, तो कितना टोटल कितना मोटालिटी हुआ, कितना बॉडी वेट हुआ है। तो हमेशा उसका डेटा हमेशा आपको रहना चाहिए, कौन सा मेडिसिन मैंने किस बार अप्लाई किया, कितना डोज में दिया, किस दिन वैक्सीन दिया, किस दिन मैंने घर का मैंने जो जायगे है वो बढ़ाया है। तो हमेशा हर एक डेटा आप डिटेल्स में नोटिस हमेशा करना है। और एक चीज़ ये है कांटे है जो मैं हमेशा मैं हर रोज़ सुबह आकर बर्ड्स का वेट करता हूँ, वेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें होता है कि मैंने बर्ड्स कितना ग्रोथ दे रहा है, कितना फीड इनटेक, एफसीआर हर एक दिन का एफसीआर क्या हो रहा है, तो मैं डेटा रखता हूँ। वो हर कोई नहीं करता है, हर कोई इंतज़ार करता है कब सुपरवाइज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आपके अपने हाथ में है। अगर प्रॉफिट आप बनाएंगे तो आपने बनाएंगे, तो आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये तो जो मेरा जो चूज़ा है तो 25 दिन के ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने जो 25 दिन के पहले वाला जो फीडर है वो क्लीन करके मैंने उसके जगह पर रख दिया है। भैया यही था मेरा बहुत सारी जानकारी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 3-4 सालों में पोल्ट्री फार्मिंग किया करके। तो अगर आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी फार्मिंग में, तो मेरा सलाह यही है कि आप अगर उस रिलेटेड बिजनेस कोई कर रहा है तो उसके पास जाइए, उसमें उसको थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर कीजिए उस बिज़नेस का, और उसके बाद उस बिज़नेस में आइए। उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अगर पोल्ट्री फार्मिंग आप इंटरेस्टेड हो, पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे, तो मैं जितना हो सकता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हो तो मैं जितना हो सकता हूँ हर भाई लोगों को, हर व्यूअर्स को मैं मदद के तौर पर मैं उतना नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन होता है जो मैंने 4-5 सालों में मैंने जेनरेट किया है, तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमारा वीडियो को हमको सपोर्ट कीजिए, और इसके बाद मैं नहीं कोई और वीडियो में मिलूँगा और कोई प्रॉब्लम के साथ। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।